मेहता का उल्टा चश्मा। क्या कर रहा है? मैं गिर जाता तो? नहीं सेठ जी, आपको थकान लग रही है ना, इसलिए आपके हाथ और कंधे खींच के आपको स्ट्रेचिंग करा रहा था। क्या करवा रहा था? स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग, इससे आपके हाथ और कंधे फ्री हो जाएंगे। स्ट्रेचिंग? स्ट्रेचिंग नहीं, स्ट्रेचिंग ये एक प्रकार की बॉडी को रिलैक्स करने की प्रक्रिया है। जिम में भी जो लोग एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने के बाद उनके मसल्स एकदम अकड़ जाते हैं। अच्छा, तो अकड़ निकालने के लिए स्ट्रेचिंग करवाते हैं? हाँ, उससे क्या है, अकड़ी हुई बॉडी एकदम फ्री हो जाती है। ठीक है, देखो जरा। सेठ जी, आप पे ये हाथ दीजिए। अभी थोड़ा फ्री लग रहा है? थोड़ा थोड़ा फ्री लग रहा है। चलिए आपको पूरा फ्री कर देता हूँ। आइए आइए आइए। अरे सेठ जी आइए, खड़े रहिए। अच्छा अच्छा, खड़े होके ऐसे घूम जाइए। अब सेठ जी, आपका हाथ मेरे इस हाथ में डालिए, अंदर ऐसे। अब दूसरा हाथ इसमें डालिए। अच्छा, थोड़ा हाथ तो नीचे कर भाई। सॉरी सॉरी। आगे सेठ जी। अब 1 2 3। बस। हो गया, लग रहा है ना एकदम रिलैक्स। हो गए हो गए हो गए। लिया, ये तो कहाँ कब सिखा ये सब? कहाँ बोले तो टीवी पे, और कब बोले तो पिछले साल लॉकडाउन में। क्या है, लॉकडाउन में ऐसे भी कुछ काम तो था नहीं, तो एक बार मैं टीवी देख रहा था, सर्फिंग कर रहा था, तो सर्फ करते करते मैंने देखा स्ट्रेचिंग का प्रोग्राम आ रहा है, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट पड़ा। मुझे लगा अरे वाह, ये तो कुछ अलग है, नया है, सीखने जैसा है, चलो सीखते हैं। तो सीख लिया। नहीं नहीं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, फ्री हो गई बॉडी। बस तो अब आपको जब भी सुस्ती जैसा लगे तो यू नो हुम टू कॉल। नहीं मतलब, आपको जब भी ऐसा सुस्ती जैसा लगे आप मुझे बुला लेना, मैं आपकी सुस्ती स्फूर्ति में बदल दूंगा। ओके। क्योंकि क्या है सेठ जी, आपका स्फूर्ति में रहना बहुत जरूरी है। अगर आप स्फूर्ति में रहेंगे तो धंधा मस्त कर पाएंगे। नहीं नहीं, धंधा तो भगवान की कृपा से अच्छा हो रहा है, मैं भी वही चेक कर रहा था। गोडाउन से हम लोग धंधा कर रहे हैं, दुकान चला रहे, फिर भी ये रिटेल का सेल भी है, बड़ा ठीक ठाक हो रहा है। और होलसेल का? होलसेल तो अपना पहले की तरह थोड़ा थोड़ा अभी लाइन पे आ रहा है। अच्छा अच्छा, होलसेल भी अच्छा हो रहा है। वो तो होगा ही ना, आपका बिजनेस करने का तरीका औरों से बहुत अलग है। मैंने देखा है कई बार रिलेशन मेंटेन करने के लिए आपने कम मुनाफे में भी डील की है। मतलब करना ही चाहिए ना भाई, क्योंकि क्या है, बापू जी ने मुझे बचपन में ही सिखाया था कि देख बेटा, पैसे से ज्यादा व्यवहार कीमती है। तो हमेशा कुछ भी हो जाए, व्यवहार साचा होना। बस इन्हीं उसूलों की वजह से आज मार्केट में गडा इलेक्ट्रॉनिक्स की एकदम अलग पहचान है। और दूसरा क्या है सेठ जी, आप धंधा भी एकदम ईमानदारी से करते हैं, इसीलिए कस्टमर्स को भी आप पे पूरा विश्वास है।
कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से हम कोई भी चीज लेंगे हमारे साथ गलत नहीं होगा। बिल्कुल नहीं सेठ जी, इसी विश्वास की वजह से तो रिश्ते बनते हैं और लंबे टिकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो अभी जो भी तेरा काम है वो भी जल्द निपटा, क्योंकि अभी गोडाउन बंद करने का टाइम हो जाएगा। और हाँ, अपना मगन को ये कल की डिलीवरी का बोल दिया। ऐसे तो बोल दिया है सेठ जी, एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। मगन मगन, ये देख, ये पीस की डिलीवरी कल करनी है। ये तो कल बोला था ना। अरे वो तुझे फिर से याद दिला रहा है भाई, सुन लेना जो बोल रहे वो। हेलो गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स। हेलो, आई एम रीना फ्रॉम गोयल ग्रुप ऑफ कंपनी। हाँ बोलिए बोलिए मैडम। हु इज दिस? जेठालाल। ओह हेलो मिस्टर जेठालाल, होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे एंड डूइंग वेल। मैडम सॉरी, जरा हिंदी में बात करेंगे प्लीज? आप आपके सेठ को फोन देंगे प्लीज? मैडम मैं गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स का सेठ ही बोल रहा हूँ, जेठालाल चंपकलाल गड्डा। ओह आई एम सो सॉरी मिस्टर जेठालाल जी। नहीं नहीं सॉरी की बात नहीं है मैडम, आपकी तरह कई लोगों को गलत फहमी होती है कि सेठ लोगों को अंग्रेजी तो आनी ही चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। क्योंकि आप देखेंगे हमारे भारत देश में ऐसे कितने बड़े बड़े व्यापारी है, है? जिनको अंग्रेजी नहीं आती, फिर भी वो अपना कारोबार एकदम बड़ा बड़ा कारोबार वो भी जोरों शोर से चलाते हैं। जी ऑफ कोर्स। बोलिए बोलिए मैडम, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? एक्चुअली गोयल ग्रुप ऑफ कंपनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास उनका न्यू रिजॉर्ट ओपन कर रहे हैं। जी जी मुझे पता है, वो प्रोजेक्ट जब भी गोयल सबको मिला तभी मैंने उनको बधाई का फोन भी किया था और उनको रिक्वेस्ट भी की थी कि सर जैसे आपने हमको जयपुर और गोवा के रिजॉर्ट का काम दिया था टीवी फ्रिज का, तो ये रिजॉर्ट का भी काम हमको ही देना। जी जी, तो इसीलिए ना गोयल सर कल आपसे 11 बजे मीटिंग करना चाहते हैं। हाँ ठीक है मैडम, तो मैं पहुंच जाऊंगा 11 बजे। नहीं 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 नहीं, गोयल सर ने कहा है कि वो खुद आएंगे 11 बजे आपके गड़ इलेक्ट्रॉनिक्स। वाह 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 मैडम वाह, मान गए गोयल साहब को, जबान के एकदम पक्के निकले। क्या पिछली बार जब ये मिले थे ना तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि सर कभी तो आइए हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में, अपने पावन कदमों से हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को भी पावन कीजिए। वो बात देखो उन्होंने याद रखी और वो कल खुद आ रहे मीटिंग करने के लिए यहाँ। जी जी, तो कल मैं 11 बजे की गोयल सर के साथ आपकी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में मीटिंग फिक्स कर दूं? फिक्स फिक्स फिक्स। ठीक है, तो गोयल सर कल ठीक 11 बजे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पहुँच जाएंगे। ठीक है। अच्छा मैडम, खाली एक जरा उनको बोलना कि वो दुकान में क्या थोड़ा रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो हम लोग दुकान के पीछे गोडाउन है, हमारा काफी बड़ा गोडाउन है, तो गोडाउन से ही हम लोग दुकान का सारा काम चला रहे, तो मीटिंग के लिए वो इधर गोडाउन में आ जाए। जी जी ठीक है। और एक खास बात मैडम उनको बोलना कि गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स का दरवाजे और जेठालाल का दिल उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। जी जी मैं जरूर कहूंगी। ओके थैंक यू मैडम, थैंक यू। सुना सुना सेठ जी सुना सुना, ये फोन स्पीकर पे भी था क्या? नहीं नहीं नहीं, वो आप बात कर रहे थे ना तो सुन के मुझे ऐसे थोड़ा अंदाजा आ गया कि कल गोयल साहब कोई ऑर्डर देने आ रहे हैं। अरे कोई ऑर्डर नहीं, बहुत बड़ा ऑर्डर देने आ रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट बना रहे हैं, तो रिजॉर्ट में लगने वाले टीवी फ्रिज का ऑर्डर वो हमको देने आ रहे हैं कल। Congratulations and celebrations, Goyal sa bada order dene aa rahe hain. Order palda hai, sugar spot palda hai. Aane do Goyal sa ko hum sab dekh lenge. Aane do Goyal sa ko unko khush kar denge. Congratulations and celebrations, kal bada order humko milne wala hai. Bas bas magan bas. चपका देख, दुकान में तो रिपेयरिंग चल रहा है, तो गोयल साहब मीटिंग के लिए गोडाउन में आएंगे, तो गोडाउन को जी आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए, मैं गोडाउन को एकदम चकाचक कर दूंगा। हाँ मेरा एक दोस्त है पकिया, उसका डेकोरेशन का ही काम काज है, तो उसको बोल के यहाँ चारों बाजू फूलों की लड़ियां लगा दूंगा और उसको बोल के गोयल साहब के लिए खास यहाँ पे बड़ी सिंहासन वाली कुर्सी रखवा दूंगा, उनको उस पे बिठाएंगे और कुर्सी के आजू बाजू में वो लड़कियों की मूर्ति आती है ना,
स्वागत करने वाली ऐसे पोल ऐसे लगवा दूंगा और यहाँ पर बैंड मंगवा लूंगा। वाह दादा काय वाह काय वाह काय ओके नोवा आके करो। अरे 2 मिनिट गप बसना रे भाव गप बस जरा। देख बगा ये गोयल साहब मीटिंग के लिए आ रहे हैं, ये टप्पू की शादी में हाजिरी देने नहीं आ रहे। फूलों की लड़ी ने बैंड बाजाने वो सब नहीं चाहिए भाई। पता है सेठ जी, लेकिन अभी आप खुश मूड में थे इसलिए आपकी खुशी और बढ़ाने के लिए आपके साथ मजाक कर रहा था। भाई ऐसा जानलेवा मजाक मत कर रहा भाई। सॉरी सॉरी सेठ जी, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, घर जाने का टाइम हो गया है, आप शांति से घर पे जाइए, मैं और मगन पूरा गोडाउन एकदम चकाचक कर देंगे। और हाँ, अभी जाते जाते कल सुबह के लिए बुके वाले को बुके का ऑर्डर भी दे देता हूँ। हाँ ये अच्छा आइडिया, बराबर है। हाँ, कल जैसे ही गोयल साहब आएंगे तो ये फूलों का गुलदस्ता देख के उनका अच्छे से स्वागत करेंगे, बराबर। ये आइडिया अच्छा, लेकिन गुलदस्ता जरा बढ़िया फर्स्ट क्लास लेना है एकदम। हाँ सेठ जी, और एक बात, गोयल साहब को कॉफी बहुत अच्छी लगती है। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं मॉल जाकर कॉफी का ऑर्डर दे दूंगा। और हाँ, मॉल में से ही इटालियन सैंडविच और मैक्सिकन सलाद का ऑर्डर भी दे दूंगा, बड़े लोग ऐसे ही सब खाना पसंद करते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, लेके लेके उनके स्वागत में कोई खचास नहीं रहनी चाहिए भाई। हाँ लेके सब लेके। सेठ जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम उनका ऐसा स्वागत करेंगे कि वो यहाँ से डील फाइनल करके ही जाएंगे। बस 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 ऐसा हो तो मजा आ जाए। चल तो अभी मैं निकलूं। हाँ सेठ जी ओके चलो। अरे रहने दीजिए, हम कर लेंगे सेठ जी। अच्छा ठीक है, तो कल सुबह टाइम पे आ जाना। हाँ 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 पक्का पक्का, चलो निकलता हूँ। चल मगन, सबसे पहले फटाफट गोडाउन की साफ सफाई कर देते हैं। बोल बागा। हाँ सेठ जी, जय माता जी। जय माता दी। अरे ये तेरे टीवी का आवाज इतना जोर से क्यों रखा है तूने? ये टीवी की आवाज नहीं है। तो एक मिनट। हेलो। सेठ जी मैं ये कह रहा था कि कोई टीवी नहीं चल रहा है, ये तो माता जी की धुन चल रही है। मैं अपने दोस्त के यहाँ जगराते में आया हूँ। जगराते में? वो क्या हुआ, गोडाउन से मैं सीधा घर पहुँचा, तो घर पहुँचते ही मेरे दोस्त का मुझे फोन आया। आज उसने अपने घर में माता की चौकी रखी है, इसलिए मैं यहाँ जगराते में आ गया। अरे बागा तुझे पता है ना कल गोडाउन में हमारी कितनी बड़ी मीटिंग है। हाँ। तो फिर तू जगराते में क्यों गया? सेठ जी कल की मीटिंग का और आज के जगराते का क्या लेना देना? अरे भाई तू आज जगराते में पूरी रात जागेगा तो कल दिन में तुझे सोना पड़ेगा ना। नहीं। क्या नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि क्या है, जो सामान्य इंसान होते हैं वो पूरी रात जागकर दूसरे दिन सोते हैं। तो तू सामान्य इंसान नहीं है? नहीं। हेलो 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 सेठ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही, बीच में नहीं आ रही थी। तो मैं ये कह रहा था कि मैं बिना सोए 3-4 दिनों तक जाग सकता हूँ। अब आप मुझसे पूछेंगे कि बागा तुझ में इतनी शक्ति आती कहाँ से है, तो मैं आपको बता दूँ, जगराते की वजह से। माता के जगराते में की गई भक्ति मुझे एकदम शक्ति देती है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सेठ जी, कल सुबह रोज की तरह आपके पहले ही मैं गोडाउन पहुंच जाऊंगा। ठीक है चल। अरे अरे एक मिनट सेठ जी, जिस बात के लिए मैंने आपको फोन किया है वो बात तो रही गई। क्या बोल? मैं यहाँ जगराते में आया हूँ तो अगर आपकी कोई भी मनोकामना हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपकी ओर से आपकी मनोकामना की रिक्वेस्ट माताजी तक पहुंचा दूंगा। भाई मनोकामनाएं तो बहुत सारी है। हाँ तो बताइए, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है कि भाई सिर्फ 2, 4 या 6 ही मनोकामना माताजी को बता सकते हैं। सेठ जी माताजी का दरबार है,
जितनी मनोकामना की लिस्ट हो उतनी आप मनोकामना माताजी को बता सकते हैं। आप बताइए क्या क्या मनोकामना है भाई। सबसे पहले तो यही मनोकामना है कि दया जल्द से जल्द अहमदाबाद से वापस घर आ जाए। दूसरी, टप्पू पढ़ लिख के बहुत आगे बढ़े और गड़ा खानदान का नाम बहुत रोशन करे। वाह बापू जी, चाहे कितने भी बुजुर्ग क्यों ना हो जाए उनकी तबीयत एकदम टनाटन रहे। बराबर है। दुकान का सेल बढ़ता ही रहे। और तू बावरी के पीछे कम और दुकान के काम के पीछे ज्यादा बावरा रहे। और सोसाइटी के मेंटेनेंस का चेक देने में अगर मैं लेट हो जाऊं तो भी भीड़े मुझ पर गुस्सा ना करे। और रोज सुबह बबीता जी के साथ गुड मॉर्निंग का सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहे। मतलब सिर्फ बबीता जी के साथ नहीं, अपने अय्यर भाई, मेहता साहब, अंजलि भाभी, पोपटलाल, भिड़े, माधवी भाभी, सोडी भाभी, अपना सोडी, रोशन भाभी, हाथी भाई, कोमल भाभी, टप्पू सेना, अब्दुल, पूरी 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 गोकुलधाम सोसाइटी के साथ ये सुबह का जो गुड मॉर्निंग का आदान प्रदान है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहे। और पूरे गोकुलधाम सोसाइटी में सम सूरत भाव और एकता रहे और सबके जीवन में शांति शांति और शांति, सबका मतलब पूरी गोकुलधाम सोसाइटी वालों के जीवन में शांति शांति और शांति की प्राप्ति हो। अरे बाप रे सेठ जी, ये तो बहुत सारी मनोकामनाएं हैं। तो तूने ही बताया ना अभी कि भाई इसमें कोई पाबंदी नहीं है, जितनी मर्जी मनोकामना बता सकते हैं। नहीं बराबर है, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर आपकी एक दो मनोकामना में माता जी को बताना भूल गया तो आपकी मनोकामना अधूरी रह जाएगी, इसलिए मेरा एक छोटा सा सुझाव है। हाँ बोल क्या। आप 5 मिनट के लिए यहाँ आ जाइए और पर्सनली माता जी को अपनी सारी मनोकामनाएं बता दीजिए। अभी आप एक काम कीजिए, आप फटाफट रेडी हो जाइए, मैं अपने दोस्त का स्कूटर लेके आपको पिकअप करने आता हूँ। फिर आप यहाँ आइए, माता जी के सामने आंखें बंद करके अपनी सारी मनोकामनाएं बताइए। फिर जैसे ही आप आंखें खोलकर मेरे सामने देखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका मनोकामना का कार्यक्रम खत्म हो गया है। तो वही स्कूटर पर मैं आपको वापस गोकुलधाम सोसाइटी ड्रॉप कर दूंगा। अरे नहीं भाई, फिर तो माता जी सोचेंगे मैं कितना स्वार्थी हूँ, सिर्फ अपनी मनोकामना बताने आया और निकल गया। और वैसे भी अगर मैं वहाँ झगड़ाता में आया तो भक्ति के माहौल में तरबोड़ हो जाऊंगा, मेरा भी एकदम ऐसे तुरंत निकलने का मन नहीं होगा। वो तो है। तो फिर क्या मैं सुबह तक जागूंगा तो कल दिन में मुझे नींद आएगी, तो फिर मैं मीटिंग कैसे करूंगा। इसलिए तू एक काम कर, तुझे जितनी याद हो ना उतनी तू मेरी मनोकामना माता जी को बता देना, फिर कल मुझे बताना तूने कौन सी मनोकामना माता जी को बताई है, तो उसमें से मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी रह गई है। तो फिर अगली बार जब तू झगड़ाता में जाएगा तब भी मैं पर्सनली आके माता जी को सारी मनोकामना जो बाकी रह गई है वो बता दूंगा। ठीक है। ठीक है सेठ जी। हाँ अच्छा सुन बागा, वो गोयल साहब कल मीटिंग के लिए आ रहे तो तूने गोडाउन को चकाचक कर दिया है ना। अरे हाँ हाँ सेठ जी, मैंने और मगन ने पूरा गोडाउन एकदम चकाचक कर दिया है। बागा का हर काम एकदम परफेक्ट होता है। ठीक है तो कल फिर टाइम पे पहुंच जाना, गोडाउन लेट मत करना। ठीक है। हेलो। हाँ हेलो 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 बागा, आवाज आ रही है? हेलो, नेटवर्क तो फुल है। हेलो हेलो। हाँ हाँ बोलिए सेठ जी। हाँ हाँ आ रही है आवाज? हाँ हाँ आ रही है। हाँ हाँ मैं ये कह रहा था कि कल टाइम पे पहुंच जाना गोडाउन, लेट मत करना। ठीक है। अरे सेठ जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ अपने दोस्त के घर अपना ब्रश, टॉवेल, कपड़े सब लेकर आया हूँ, कल सुबह फ्रेश होकर यहीं पर नहाकर सीधा गोडाउन पहुँच जाऊंगा। ठीक है चलता, फिर मिलते हैं कल सुबह। हाँ जी सेठ जी। जय माता दी। जय जय माता दी। जय माता दी। प्यार से बोलो जय माता दी। मैं तो आप वक्त कभी थाम नहीं सकते, मुट्ठी में से रेत निकलती है ना वैसे वक्त चला जाता है, निकल जाता है, लेकिन अगर आप वक्त को संभाल लेते हैं तो वक्त आपको संभाल लेता है। और आज तो जेठालाल की जिंदगी में वक्त का बड़ा महत्व है, इतना बड़ा ग्राहक उनसे मिलने आ रहा है भाई, और एक व्यापारी को क्या चाहिए, बड़ा ग्राहक हो, बड़ा व्यापार हो, बड़ा धंधा अपना अच्छा चलता रहे, और यही जेठालाल के साथ है। इसलिए जेठालाल ने
आज बाघा को बिल्कुल वक्त पर आने का है। वक्त, टाइम, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। जो घड़ी है ना, ये रुकती नहीं, ये तो चलती रहती है। घड़ी मान लीजिए खराब भी हो जाए तो वक्त नहीं रुकता है, वक्त हमेशा चलता रहता है। और वक्त को संभालना जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसीलिए अंग्रेजी में कहावत है, टाइम इज मनी। वक्त का उपयोग अगर आप ठीक ढंग से करेंगे तो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। लेकिन जेठालाल को तो आप जानते हैं, आज तक वक्त पे वो कहीं पहुंचा नहीं है। तो देखने वाली बात ये है कि क्या जेठालाल की मुलाकात गोयल साहब से हो पाएगी, सही वक्त पे हो पाएगी जो तय है उस समय पे हो पाएगी, या फिर कुछ और होगा। ये जानने के लिए तो आपको शनिवार की रात ठीक 8:30 बजे यानी कि ठीक वक्त पे आना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने, क्योंकि वो है आपके हंसने का वक्त। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.